कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ अब विधायकों ने भी बीड़ा उठा लिया है। इसी के चलते हमीरपुर बाजार में हमीरपुर सदर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बाजार का दौरा करके लोगों को कोरोना बीमारी से बचाव के बारे में जागरूक किया तो हाथों में मास्क लेकर लोगों को वितरित भी किए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने लोगों से बीमारी से बचाव के लिए मुंह पर हमेशा मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए भी आह्वान किया। बाजार में दौरे के दौरान एएसपी विजय शुक्ला ने एसडीएम चिरंजी लाल चौहान के अलावा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक जाकर लोगों से कोरोना बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए अपील की। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आजकल कोरोना बीमारी फैली है और इसलिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि बीमारी से बचाव के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि हमीरपुर बाजार में अधिकतर लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और जो लोग सही ढंग से मास्क नहीं लगा पा रहे थे उन्हें मास्क के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोरोना बीमारी से बचाव हो सके। से आप सभी जानते हैं कि आजकल हिमाचल में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कोरोना अभियान जो है महामारी जो है बड़े जोरों से फैली है और ख़ासकर आज मैं अपने हमारे एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व पुलिस वाले लोगों के साथ बाजार में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि मास्क लगाना क्यों जरूरी है और लगभग मुझे लग रहा है कि सभी लोग जो हैं जो इस मास्क लगा रहे हैं और जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन किया हुआ है लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग हमें जो मिल रहे हैं हम उनको समझा भी रहे हैं कि मास्क क्यों लगाना ज़रूरी है और मास्क लगाने के फ़ायदे क्या हैं। तो इस अभियान में हम निकले हैं आज और मुझे वैसे जानकर खुशी हो रही है कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो हमें आज बिना मास्क के मिले हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं लेकिन फिर भी जब तक वैक्सीन ठीक ढंग से नहीं लगती है हम सबको प्रॉपर जो हमें गाइडलाइंस हैं मास्क लगाना है दो गज की डिस्टेंस ही मेंटेन करनी है इसका पालन करना जो बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों को समझा रहे हैं साथ में